भारत मंडपम में आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। पीएम मोदी ने आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान की टिप्पणी। इस दौरान प्रधानमंत्री ने CDRI की वृद्धि और वैश्विक गठबंधन की भी बात कही। मोदी ने इस मौके पर पुनर्वास की बात भी कही है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि हम 2019 से एक लंबा सफर तय कर चुके हैं। यह अब 39 देशों और 7 संगठनों का वैश्विक गठबंधन है। भविष्य के लिए ये एक अच्छा संकेत है। उन्होंने आगे कहा कि हम सभी ने देखा है कि प्राकृतिक आपदाएं लगातार और अधिक गंभीर होती जा रही हैं। उनके कारण होने वाली क्षति आमतौर पर डॉलर में बताई जाती है, लेकिन लोगों, परिवारों और समुदायों पर इसका वास्तविक प्रभाव इन आंकड़ों से परे है। बेहतर कल के लिए हमें आज टिकाऊ बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए। लचीलेपन को नए बुनियादी ढांचे के निर्माण में शामिल करने की जरूरत है। आपदा के बाद स्वाभाविक रूप से राहत और पुनर्वास पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। As we all have witnessed, natural disasters are becoming more frequent and more severe. The damage they cause is usually reported in dollars, but their true impact on people, families and communities is beyond just numbers. Earthquakes destroy houses, making thousands of people homeless. Natural disasters can disrupt water and sewage systems, putting the health of people at risk. Some disasters can impact energy plants, leading to potentially dangerous situation. These things have a human impact. Friends, we must invest in resilient infrastructure today for better tomorrow. Resilience needs to be factored into new infrastructure creation. Further, it also needs to be a part of post-disaster rebuilding. After disasters, the immediate focus is naturally on relief and rehabilitation. After the initial response, our focus should also include resilience of infrastructure.